बात होगी मॉनसून मुसीबत वाला। जी हाँ, देश के कई राज्यों में हालात कुछ ऐसे ही हैं। जून में मॉनसून की दुआ मांगने वाले अब बारिश का पानी देखकर पनाह मांग रहे हैं। कई राज्यों की लाखों की आबादी परेशान है। बाढ़ और बारिश जिन प्रदेशों में मुसीबत बनी हुई है उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और असम इसमें शामिल हैं। इन प्रदेशों में यूपी, असम के बाद सबसे ज्यादा बुरे हालात हैं उत्तर प्रदेश के, जहां पर कई राज्यों में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अब आपको हम ये अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग राज्यों की स्थिति पर आप नजर डालिए। दिल्ली हो या उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा और ये तस्वीरें हालात बयां करने के लिए काफी है। ये तस्वीरें आप देख पाएंगे जहां पर दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, असम, केरल, कर्नाटक, ओडिशा, हर जगह कमोवेश हालात कुछ एक जैसी ही हैं, तस्वीरें कुछ एक जैसी ही हैं। जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। आम जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है, जो मवेशी हैं उनका ठिकाना छिन चुका है और ऐसे में बहुत ज्यादा परेशानी अब बढ़ने लगी है, क्योंकि एकदम से अचानक से बहुत ज्यादा बारिश और ऐसे में जगह जगह जल जमाव की स्थिति हो गई है। कई ऐसे इलाके हैं जो पूरे तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। और क्योंकि देखिए इस कदर कहर बरप रहा है कि यूपी में पिछले 24 घंटे में 19 लोगों की अब तक मौत हो गई। बाढ़ और बारिश की वजह से 19 लोगों की मौत की खबर सिर्फ यूपी से अब तक सामने आ चुकी है और अभी भी 3 से 4 दिन कुछ मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आपने देखी, जो लगातार सर्वे कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं, हवाई सर्वे वो कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, क्योंकि कुछ ऐसे जिले हैं जिसमें लखीमपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ और बारिश का कहर है और ऐसे में अब तक 19 लोगों की मौत सामने आ चुकी है और इससे कई लाख लोग प्रभावित हैं। कुल 633 गांव उत्तर प्रदेश के बाढ़ की चपेट में हैं, बाढ़ से प्रभावित हैं और ऐसे लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करने में भी काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। आज सीएम योगी की तरफ से राहत सामग्री का वितरण भी किया गया, कल भी उनकी तरफ से हवाई सर्वे किया गया था। बोट में सवार होकर वो उन इलाकों में पहुंचे जो कि बाढ़ से इस वक्त ग्रसित हैं। तमाम ऐसे जनपद का दौरा किया गया और अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी जो भी जरूरत है, जो भी सुविधा मुहैया कराई जा सकती है, उससे तत्काल प्रभाव से जरूरत मुहैया कराई जाए स्थानीय लोगों को, आम लोगों को, ताकि उन्हें परेशानी ना हो। जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं ऐसे में खासतौर पर वो ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि पानी भर चुका है और उनके जो रोजमर्रा के सामान है वो भी अब खराब हो चुके हैं। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार और उत्तराखंड के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। जो नदियां हैं वो उफान पर हैं, खतरे के निशान को नदियां पार कर चुकी है। बात अगर बिहार की करें तो कोसी, गंडक और गंगा नदी वहां पर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और इसी बीच आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, यूपी में पिछले 24 घंटे में 19 लोगों की मौत हो गई है, हालात कितने ज्यादा खराब हो चुके हैं वो अपने आप सबके सामने हैं। हालांकि आज सीएम योगी की तरफ से हवाई सर्वेक्षण भी किया गया, कल भी उनकी तरफ से किया गया था, लेकिन अब कब तक मौसम सामान्य होने की संभावना, क्योंकि आने वाले 3 से 4 दिन अभी और मुश्किलों भरे हो सकते हैं। देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश में बारिश का कहर है, यही वजह है कि पीलीभीत में तकरीबन 200 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहां एयरलिफ्ट करके लोगों को गांव के बाहर से निकाला गया, लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के और भी ऐसे जिले हैं जहां बाढ़ का कहर टूटा हुआ है। अगर बात करें तो खुद उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो बारिश के हालात को लेकर नजर बनाए हुए हैं लगातार। कल उन्होंने पीलीभीत में हवाई दौरा किया था, इसके अलावा लखीमपुर वो पहुंचे हुए थे और आज फिर वो उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में गए हैं। तो आप मान लीजिए स्थिति ये है कि तमाम नदियां ऐसी हैं जो खतरे के आसपास मंडरा रही हैं। सीतापुर की अगर बात करें तो घाघरा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है और अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। कानपुर में गंगा का लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में हालात अगले 5 से 6 दिनों में और बेकाबू होने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश के 62 जिलों को अलर्ट जारी किया गया जहां भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तो इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है, लगातार मुख्यमंत्री की ओर से प्रशासन को अलर्ट किया जा रहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही न होने पाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बारिश और वज्रपात से करीब 19 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। अकेले यूपी के मैनपुरी में कल 5 लोगों की बिजली गिरने से मौत हो गई थी। तो इधर
इधर एक तरफ अभी जून के महीने में लू के थपेड़ों से लोग परेशान थे, लेकिन जैसे ही जुलाई में गर्मी से थोड़ी राहत मिली तो अब बारिश का कहर उत्तर प्रदेश में टूट पड़ा है। आने वाले 10 दिनों में उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है, 62 जिलों पर भयंकर बारिश होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि इसको लेकर आशुतोष अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इस बीच क्योंकि बड़ी खबर मिल रही है, बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर सीएम योगी आज रहे, श्रावस्ती वो पहुंचे, सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण किया और सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावितों से इस दौरान मुलाकात भी की है। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री का भी वितरण किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार के हालात बहुत ज्यादा इस वक्त खराब है। जो नदियां हैं वो लगातार उफान पर रही, तस्वीरें भी सामने आई जब सीएम योगी हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे, हवाई सर्वे करते हुए और ये आकलन करते हुए, क्योंकि ऐसे में नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है किसानों का, खेत के खेत जो कि पानी में पूरे तरीके से डूब चुके हैं, और ऐसे में लगातार अधिकारियों के अफसरों के संपर्क में सीएम योगी हैं, उन्हें सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आप लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है ताकि जो भी जरूरत है, जो भी सुविधा मुहैया कराई जा सकती है वो आप कराएं। सड़क दुकान हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी। और अब ये दो तस्वीरें हैं दो दिन की। आप पहली तस्वीर कल की है जब पीलीभीत लखीमपुर खीरी पहुंचे, 10 जुलाई की तस्वीर है, और कल ही बोट से भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे सीएम योगी। और जो दूसरी तस्वीर है वो आज की है यानी 11 जुलाई की, जब श्रावस्ती पहुंचे, श्रावस्ती का, बलरामपुर का और उससे लगे हुए जितने भी इलाके हैं वहां पर हवाई सर्वे सीएम योगी की तरफ से किया गया। इसके बाद उन इलाकों में सीएम योगी पहुंचे जहां पर बाढ़ प्रभावित है, उनसे बातचीत की या उनको जिस चीज की जरूरत है वो मुहैया कराई जा सके, राहत सामग्री जो राहत किट है उसका भी इस दौरान वितरण किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड यानी कि मैदान हो चाहे पहाड़ हो, हर तरफ कमोबेश कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। अब उत्तर प्रदेश की ये 6 तस्वीरें आप देख पाएंगे, लखीमपुर खीरी जहां कल सीएम योगी पहुंचे थे, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, अंबेडकर नगर और बलरामपुर, ये 6 तस्वीरें हैं। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के हालात कुछ ऐसे ही हैं जहां पर आपकी नजर जहां जहां जाएगी आपको सिर्फ पानी नजर आएगा। कई इलाके टापू में तब्दील हो चुके हैं, मुख्यालय से संपर्क कट चुका है, जो कच्ची सड़कें हैं वो पानी में बह चुकी हैं। तो कुल मिलाकर समस्याएं बहुत ज्यादा अब लोगों को परेशान कर रही है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं इस मानसून की मुसीबत से, मौसम की मार से। तस्वीरें आप देखिए क्योंकि जहां जहां आपकी सिर्फ नजर जाएंगी आपको पानी नजर आएगा। जो स्थानीय लोग हैं वो काफी परेशान हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। शाहजहांपुर में आप देखिए अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को, पीलीभीत आप देखिए, मुरादाबाद में देखिए, अंबेडकर नगर और बलरामपुर की तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही हैं। तो ये तस्वीरें बहुत ज्यादा डराने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों का हाल अब आपको हम दिखाएंगे जहां पर कुछ परेशानियां जो तमाम ऐसे राज्य, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि आप बिहार में देखिए, बिहार में हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, राजस्थान में हालात ऐसे हैं, उत्तराखंड में हालात ऐसे हैं क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आने वाले 3 से 4 दिन तक के लिए अब अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। महाराष्ट्र के हाल देखिए, तस्वीर हमने आपको महाराष्ट्र की दिखाई जहां पर लगातार बारिश हो रही है। गुजरात के हालात कुछ ऐसे ही हैं, असम के कुछ हालात ऐसे ही हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है, और उत्तर प्रदेश की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां पर कितने ज्यादा हालत खराब हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड हो, पहाड़ हो चाहे मैदान हो, हालात कुछ ऐसे ही हैं। हमारे संवाददाता अलग अलग स्थानों से जुड़ रहे हैं, क्या कुछ वहां की स्थिति वो हम उनसे जान लेते हैं। कुलदीप नेगी जुड़ रहे हैं देहरादून से, सत्यप्रकाश मुंबई से, आशुतोष जुड़ रहे हैं लखनऊ से, तस्वीरें हम उनसे देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कुलदीप, मैं आपके पास आऊंगी, देहरादून की अगर हम बात करें, उत्तराखंड की पूरे अगर हम बात करें, आज का मौसम बताइए पहले तो आप, और आने वाले 2 से 3 दिन तक का मौसम बताइए, मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है उत्तराखंड को लेकर। देखिए, अगर आज के मौसम की बात करें तो आज अभी फिलहाल बारिश रुकी हुई है, और इस वक्त अगर उत्तराखंड की सड़कों की बात यहां पर पहले मैं करना चाहूंगा, तो उत्तराखंड में तकरीबन अभी 205 के आसपास सड़कें हैं जो कि बाधित हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो सड़कें प्रभावित हुई हैं वो लोक निर्माण विभाग की हैं, तकरीबन 170 से ज्यादा, और इसके अलावा पीएमजीएसवाई के जो ग्रामीण मार्ग हैं वो बंद है। सबसे महत्वपूर्ण बद्रीनाथ हाईवे जो कि जोगीधारा के पास में बाधित हुआ था, उसे पैदल आवाजाही के लिए तो खोला गया है,
लेकिन अभी वाहनों की आवाजाही वहां पर शुरू नहीं हो पाई है, इसीलिए जो भी लोग या जो भी यात्री हैं उन्हें पैदल ही वो पार कराया जा रहा है रास्ता। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक जो है वो रास्ता खुल जाएगा वाहनों की आवाजाही के लिए भी, और उसके बाद यातायात पूरी तरीके से सुचारू हो पाएगा, क्योंकि पिछले दो दिनों से जिस तरह के हालात बने थे उसके कारण से चुनौतियां भी जरूर बढ़ गई थी। जहां तक अगले दो से तीन दिनों के मौसम की बात है तो फिलहाल अभी कोई बड़ा अलर्ट तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन येलो अलर्ट जरूर है जिस तरीके से, क्योंकि अब मानसून सीजन है तो इसमें बरसात होना लाजमी है, बारिश होगी। आपदा के लिहाज से उत्तराखंड हमेशा से ही बेहद संवेदनशील रहा है, खासतौर के जो पर्वतीय इलाके हैं वो संवेदनशील रहते हैं, क्योंकि जब बारिश तेज होती है तो नदियां भी उफान पर होती हैं, बहुत सी जगह भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वो होती हैं, पहाड़ इसके लिए बड़ा संवेदनशील है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से बात करें तो तैयारियां तो पूरी रहती हैं, लेकिन जो आपदा प्रबंधन तंत्र है उसे अलर्ट मोड पर रखा जाता है, और खासतौर से SDRF NDRF वो भी अलर्ट मोड पर रहती है। बीते दिनों जिस तरह के हालात भी बने थे तो SDRF ने बहुत बेहतर तरीके से काम किया, चाहे वो कुमाऊं क्षेत्र की बात करें, उधम सिंह नगर की, या उसके आगे बनबसा की बात करें, जल भराव जहां हो गया था, जलमग्न कुछ क्षेत्र हो गए थे, इलाके हो गए थे, तो वहां से लोगों को रेस्क्यू किया गया, बाकायदा SDRF की तरफ से सुरक्षित स्थानों पर उन्हें पहुंचाया गया। जोशीमठ की तरफ की बात करें, चमोली का जो इलाका है वहां पे भी अभी जो मार्ग अवरुद्ध हुआ है उसे खोलने के प्रयास किए गए, सुबह तक वो खोला गया आवाजाही के लिए, पैदल आवाजाही के लिए। सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त में लैंडस्लाइड पहाड़ों पर, उससे निपटना सबसे ज्यादा पहले जरूरी है। आपके पास मैं लौटूंगी, एक बार मुंबई लिए चलते हैं, सत्यप्रकाश वहां से जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, मुंबई के क्या कुछ हालात है, क्योंकि अभी हमने देखा था पिछले दिनों कैसी तस्वीरें वहां से सामने आई थी, एयरपोर्ट पर पानी भर गया था, रेलवे स्टेशन पर पानी भर गया था, अब क्या कुछ हालात है मुंबई के? बिल्कुल, देखिए मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, जैसे ही मौसम विभाग ने अब मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में येलो अलर्ट जारी किया है और बताया कि आने वाले 3 से 4 दिनों में सामान्य से भारी बारिश होने की आशंका है। उसी लिहाज से अगर देखा जाए तो मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, हालांकि गलीमत यह है कि कभी कभी रुक रुक कर बारिश होती है, लेकिन निचले इलाकों में जहाँ भी जलभराव की स्थिति होती है वहाँ तुरंत जलभराव की भी स्थिति देखने को मिल रही है, चाहे वो थाने हो, चाहे वो दादर का हिंद माता हो, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अक्सर जलभराव की स्थिति होती है। लेकिन मुंबई की लोकल जो है आज किसी तरह से प्रभावित नहीं है, क्योंकि मुंबई में जो बारिश हो रही है रुक रुक कर हो रही है, क्योंकि देर रात तक बारिश जरूर हुई थी। जो आंकड़े सामने आए उसमें बताया कि 50.56 मिलीमीटर की बारिश मुंबई में हुई है, जो अलग अलग इलाकों को बताती है। अब ऐसे में मुंबई में एक बार फिर से जोरदार बारिश हो रही है, सरकारी यंत्रणा जैसे थी वैसे ही है, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो शायद इस बारिश के लिए कारगर नहीं है, यही वजह है कि मुंबई में अलग अलग इलाकों में तुरंत जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। महाराष्ट्र के पुणे में बात करें या फिर नागपुर की बात करें या फिर सतारा की बात करें, कोल्हापुर की बात करें, सब जगह बाढ़ की स्थिति है, क्योंकि कई नदियां कुछ तस्वीरें एक जैसी ही हर कहीं से निकलकर सामने आ रही। लौटूंगी आपके पास। विशाल जुड़ गए हैं मुजफ्फरपुर से। विशाल, मुजफ्फरपुर की क्या कुछ स्थिति है, वहां के जो सड़कें हैं, जो घर हैं, उनकी क्या कुछ स्थिति है? विशाल, चलिए तो एक बार हम फिर से विशाल से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच हमारे साथ आशुतोष भी लगातार बने हुए हैं। आशुतोष, अगर हम बात करें पूरे उत्तर प्रदेश की, तो कई ऐसे इलाके जलमग्न जो हो चुके हैं, खासतौर पर ऐसे में किसानों को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि किसानों की फसलें खड़ी थी और ऐसे में जब पानी उनमें भर गया तो पूरे तरीके से उनकी फसलें नष्ट हो गई हैं। हालांकि आकलन किया जा रहा है सीएम योगी की तरफ से कि कितना कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन चाहे इंसान हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे मवेशी हो, हर किसी को बहुत ज्यादा परेशानी इस बीच हो रही है। आशुतोष, बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और अगले 4-5 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो तमाम जिले हैं उसमें आपको भारी बारिश देखने को मिल सकती है, ऐसा मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है। उत्तर प्रदेश के तकरीबन 62 जिले ऐसे हैं जहां अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश के आसार हैं, जिसमें देवरिया है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है। आज खुद श्रावस्ती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और वो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई भी लापरवाही
लापरवाही न होने पाए, क्योंकि जो निचले इलाके हैं उसमें जरा सी बारिश होती है तो पानी भर जाता है और निचले इलाकों में जो बस्तियां जो गांव हैं उनमें जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा तमाम फसलें भी ऐसी हैं जो पानी की वजह से जलमग्न हो जाती हैं। तो सीएम की तरफ से वहाँ के जिलों के डीएम जो हैं उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्तर पर किसानों को कोई समस्या का सामना न करना पड़े। यदि इस तरह की कोई बात सामने आती है तो 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे और शासन स्तर पर जो भी यथासंभव मदद है वो तत्काल प्रभाव से पहुंचाई जाएगी। और जो निचले स्तर पर निचले इलाके में ग्रामीण रहते हैं जहाँ थोड़ी सी बारिश से जलमग्न हो जाते हैं गाँव, उन इलाकों पर खासकर डीएम और एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि ध्यान रखा जाएगा किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न होने पाए। इसके अलावा वहाँ हर तरह की खाने से लेकर हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाए। तमाम जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे भी हैं जो सुबह खबर मिली थी कि जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं वो समस्या का सामना कर रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें खाद्यान्न की भी व्यवस्था कराई जा रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस मामले को लेकर सचेत भी हुआ है, आप देखेंगे, लेकिन परेशानियां अभी भी फिलहाल कम होने का आशुतोष नाम नहीं ले रही है। अब कुछ और तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। अब ये चार तस्वीरें हैं अलग अलग राज्यों की, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और असम। उत्तर प्रदेश में कैसे जो सैलाब है वो आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड सबसे बड़ी इस वक्त चुनौती है। लैंडस्लाइड होता है, मलबा सड़क पर आ जाता है, फिर दोनों तरफ से मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, लंबा लंबा जाम लग जाता है और ऐसे में बड़ी घटना भी हो सकती है जब लैंडस्लाइड होता है, तो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है लैंडस्लाइड। बिहार की बात करें, बिहार में भी बहुत ज़्यादा जो है वो बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, कई नदियाँ उफान पर। और असम में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर हैं जहाँ पर जो इलाके हैं वो टापू में तब्दील हो चुके हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश की आप देखिए, उत्तराखंड की देखिए, बिहार की और असम की, क्योंकि नदियां इस वक्त खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं और ऐसे में ये बहुत ज्यादा परेशानी भी हो जाती है। और अब आपको हम बताते हैं उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हालात बाढ़ के हैं। कुल 12 जिले जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और इसमें कुल 633 गाँव हैं जो इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। 64 गांव का मुख्यालय से संपर्क कट चुका है, यानी कि जो सड़कें हैं वो पूरे तरीके से वहां पर खराब हो चुकी हैं। 30,623 हेक्टेयर से ज्यादा खेती पर असर पड़ा है, तो आप समझिए किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान इस बारिश के कारण हुआ है, इस बाढ़ के कारण हुआ है। इसके अलावा अब कहां कहां यूपी में सबसे ज्यादा बाढ़ से किसान परेशान है, लोग परेशान है, सबसे बात करें पहले पीलीभीत की, जहां पर खुद सीएम योगी पहुंचे हुए पीलीभीत का जायजा उन्होंने लिया। लखीमपुर खीरी में भी बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, कई इलाके जलमग्न वहां पर हो चुके हैं। इसके अलावा शाहजहांपुर की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है जहां पर बाढ़ और बारिश के चलते हर कोई परेशान है। बात श्रावस्ती की करें तो श्रावस्ती से भी कुछ ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जहां पर आप नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ पानी नजर आएगा। बलरामपुर की बात करें तो बलरामपुर के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। कुशीनगर की बात करें वहां पर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। हालांकि सीएम योगी आज फिर कुछ इलाकों में पहुंचे हैं, कल भी कुछ इलाकों में पहुंचे थे वहां का जायजा लेने के लिए, राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। बाराबंकी के हालात कुछ ऐसे ही हैं। तो यूपी के ये तमाम वो जिले हैं, कुल ऐसे 12 जिले हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित है, जिसमें कासगंज भी शामिल है जहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ है। सिद्धार्थनगर भी यूपी का बाढ़ से फिलहाल त्राहिमाम कर रहा है, वहां के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं और सबसे ज्यादा नुकसान ऐसे में गरीब तबके को हो रहा है या किसानों को हो रहा है। तमाम जो हमारे संवाददाता हैं वो हमारे साथ बने भी हुए हैं और हमारे जो संवाददाता हैं सत्य प्रकाश वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। सत्य प्रकाश, हमने तस्वीरें देखी थी कैसे मुंबई में हालात बने हुए थे, वहां पर जल जमाव हो गया था, तो अब जल जमाव ना हो या अब भारी बारिश होती तो वो स्थिति ना आए, उसके लिए अब क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, सरकार भले कह रही है कि हमारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाती हैं जब मुंबई में बारिश होती है। अब आलम यह है कि आज सुबह से ही मुंबई में बारिश हो रही है। सबसे पहले कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं कि इस वक्त मुंबई के बांद्रा सीलिंग के पास हम खड़े हैं और इस कदर बारिश हो रही है कि सामने सीलिंग है लेकिन आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। और इसी तरह की हालात पूरे मुंबई में है, मतलब मुंबई में लगातार आज बारिश फिर एक बार से जोर पकड़ लिया है। अब ऐसे में लोगों की चिंताएं भी बढ़ने लगी है क्योंकि लोग अपने अपने दफ्तरों के लिए निकले हैं और मानसून विभाग ने आने वाले 3 से 4 दिन में भारी से भारी बारिश की भी आशंका जताई है। अब ऐसे में इसी तरह की अगर बारिश मुंबई में लगातार होती है तो जाहिर तौर पर एक बार फिर से मुंबई डूबने की कगार पर आ जाएगी, मुंबई में जलभराव की स्थिति हो जाएगी।
अब निचले इलाके हैं इतने भी पानी में जो है निचले इलाके भरने लगते हैं। अब जब भरते हैं तो लोगों की समस्याएं बढ़ने लगती है, क्योंकि सड़कें जो है पूरी तरह से सीमेंटेड हो गई, कंक्रीट हो गई है, जो नालियां हैं उसकी सफाई नहीं हो पाई है, बीएमसी के कर्मचारी तैनात नहीं रहते हैं, तो ऐसे में स्थिति बिल्कुल और ये लापरवाहियां जब बारिश होती है तब आम लोगों पर भारी पड़ती है, जो लोग हैं उनको काफी ज्यादा परेशानी होती है। इसी बीच अब हमारे साथ देहरादून अब आपको ले चलते हैं, हमारे जो संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अगर हम बात करें कुलदीप चुनौतियों की, बहुत ज्यादा चुनौतियां प्रशासन के समक्ष इस वक्त हैं, लेकिन जो बद्रीनाथ हाईवे था उसे भी बंद कर दिया गया था, हजारों तीर्थयात्री वहां पर फंसे हुए थे, तो क्या वो मार्ग अब चालू हो चुका है? देखिए, बद्रीनाथ हाईवे जो कि जोगीधारा में इस वक्त बंद है, वो पैदल आवाजाही के लिए खोला गया है। पैदल आवाजाही वहां से सुनिश्चित की जा रही है, जो यात्री हैं या फिर जो लोग हैं, स्थानीय लोग या जिनको जाना है वहां से पैदल आवाजाही करवाई जा रही है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज देर शाम तक वाहनों की आवाजाही के लिए भी वो हाईवे खोल दिया जाएगा। हालांकि इस बार क्योंकि मानसून जो सीजन होता है, मानसून सीजन में ज्यादा यात्री नहीं पहुंचते हैं, तो जो अथॉरिटीज से हमारी बात हुई थी उनका यह कहना है कि बहुत ज्यादा यात्री नहीं है उस मार्ग पर, उस रूट पर, और जो यात्री हैं भी तो कुछ अपने स्थानों पर ठहरे हुए हैं। हाईवे जिस तरीके से वाहनों के आवागमन के लिए खुल जाएगा, सुचारू हो जाएगा, तो यात्री वहां से निकल जाएंगे या फिर जो पैदल वहां से निकलना चाहते हैं। क्योंकि मुसीबतें बहुत ज्यादा कुलदीप बढ़ रही है, बार बार अपील प्रशासन कर रहा है कि अभी आप पहाड़ों की तरफ रुख ना करें क्योंकि स्थिति अभी ठीक नहीं है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरों के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे दिल्ली से। दिल्ली के बवाना के पास मुनक नहर पर बना हुआ बराज टूट गया है। आपको बता दें ये बराज टूटा है, हरियाणा की तरफ से आने वाली मुनक नहर का बराज टूटा है। मुनक नहर का पानी अब कॉलोनी में घुसने लगा है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी इसके सामने आ गई, आप देख सकते हैं जो मुनक नहर का बराज है वो टूट गया है। दिल्ली के बवाना के पास की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये बराज टूट गया है।